नमस्कार दोस्तों, आज के इस लेक्चर में दिल्ली सल्तनत के टॉप 20 प्रश्न देखेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जितने भी प्रश्न आएंगे उससे रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन भी आपको बताई जाएगी। दिल्ली सल्तनत हमारे भारत के इतिहास का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो मिस मत कीजिएगा पूरा लेक्चर। ये सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। दिल्ली सल्तनत के अंदर मुख्य 5 वंश हैं, गुलाम वंश, खिलजी वंश, उसके बाद तुगलक वंश, फिर सैयद वंश, फिर लोधी वंश। इन 5ों वंशों से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, ध्यान से देखिएगा। अच्छे अच्छे प्रश्नों का संग्रह है ये। लास्ट में कमेंट करके बताइएगा आपको कितने आते थे। वैसे भी पूरा प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन और आधुनिक भारत का इतिहास कंप्लीट हो गया है। फोल्डर में जाइए, वहां पर सभी लेक्चर आपको मिल जाएंगे बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से। तो चलिए शुरुआत करते हैं। टेलीग्राम पे तो ज्वाइन आपने कर लिया होगा, नहीं किया तो जरूर ज्वाइन कर लीजिए। अपने टेलीग्राम एप्लीकेशन पर @श्रीएजुकेशन लिखकर सर्च करेंगे, चैनल आ जाएगा। अगर करंट अफेयर की तैयारी कर रहे हैं आप, तो बिल्कुल सटीक करंट अफेयर पाने के लिए हमें ग्रुप में ज्वाइन कर लीजिए। हमारा पर्सनल ग्रुप है @CurrentAffairsByRavi टेलीग्राम एप्लीकेशन पर, ये लिखकर सर्च कीजिए, आ जाएगा चैनल। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न हमारा है, दिल्ली के किस सुल्तान के विषय में यह कहा गया है कि उसने रक्त और लोह की नीति अपनाई थी। चार ऑप्शन है, चारों ऑप्शन में से राइट आंसर बताना है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, रक्त और लोह की नीति किस दिल्ली सुल्तान के द्वारा अपनाई गई है। लोह रक्त की नीति बहुत फेमस प्रश्न है, तो चारों ऑप्शन में से जो राइट आंसर है, बलबन के द्वारा, ग्यासुद्दीन बलबन के द्वारा लोह रक्त नीति अपनाई गई थी, या बोला जाए रक्त और लोह की नीति अपनाई गई थी। ग्यासुद्दीन बलबन ने इस नीति को इसलिए अपनाई थी क्योंकि वो अपने विद्रोहियों से परेशान आ गया था, अपने विद्रोहियों को कठोरता से खत्म करना चाह रहा था, तो इसी कारण से उसने रक्त और लोह की नीति अपनाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गुलाम वंश का संस्थापक कौन था। दिल्ली सल्तनत का सबसे पहला प्रश्न ही यही बनता है कि गुलाम वंश का संस्थापक कौन था। चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं, चारों में से आपको राइट आंसर बताना है। तो दिल्ली सल्तनत, देखिए सबसे पहले गुलाम वंश आता है, उसके बाद खिलजी वंश, फिर तुगलक वंश, फिर सैयद वंश, फिर लोधी वंश। तो सबसे पहला जो गुलाम वंश था उसी से ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, गुलाम वंश का संस्थापक कौन था। तो गुलाम वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक था, याद रखिए। कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 से लेकर 1210 तक राजगद्दी पर बैठता है दिल्ली की। इसे महमूद गोरी ने नियुक्त किया था, ठीक है, इसे गोरी ने नियुक्त किया था, महमूद गोरी ने। महमूद गोरी का ये गुलाम था, इसी कारण से इस वंश का नाम भी गुलाम वंश है, या ममलूक वंश भी कहा जाता है। अभी इससे पहले क्वेश्चन आया था बलबन के बारे में, तो बलबन भी गुलाम वंश से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कैसे हुई थी। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, बहुत बार पूछा जाता है कि कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कैसे हुई थी। तो इन चार ऑप्शन में से राइट आंसर बताना है। तो बताइए, क्या दरबार के एक व्यक्ति ने उसे छुरा मार कर मारा था, नहीं। दूसरा, युद्ध में मृत्यु हुई थी, बिल्कुल नहीं। तीसरा, बुंदेलखंड के कालिंजर किले का घेरा डालते समय चोट लगने के कारण हुई थी, नहीं। चौथा, चौगान खेलते समय घोड़े से गिरने के बाद मृत्यु हुई थी, बिल्कुल सही। पोलो खेलते समय ये मृत्यु हुई थी, ठीक है, चौगान खेलते समय घोड़े से गिरने के कारण मृत्यु हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रजिया बेगम को सत्ता हासिल करवाने में किसका हाथ था। किसने दिल्ली की राजगद्दी पर बैठाया था रजिया बेगम को। इन चारों ऑप्शन में से राइट आंसर बताना है। तो तुर्कों ने बैठाया था, तुर्कों की सहायता से रजिया बेगम दिल्ली की राजगद्दी पर बैठी थी। तो ये पहली महिला हैं पूरे इतिहास के अंदर जो शासक थी। आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, प्रथम महिला शासक कौन थी, तो रजिया सुल्तान। 1236 ईस्वी में ये राजगद्दी पर बैठी थी, गुलाम वंश से संबंधित थी ये भी, तुर्कों की सहायता से राजगद्दी पर बैठी, मगर बाद में मतभेद हो गए तुर्कों और इनके बीच में, इसी कारण से 1240 ईस्वी में इनकी हत्या करवा दी गई। 1240 ईस्वी तक ये राजगद्दी पर बैठी थी, 1240 में रजिया बेगम की हत्या करवा दी गई, कैथल के पास हत्या करवा दी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसको द्वितीय सिकंदर के नाम से जाना जाता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि किसे दूसरा सिकंदर के नाम से जाना जाता है, या सिकंदरे सानी भी बोला जाता है। लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है,
सिकंदरे सानी। आपसे पूछा जाए सिकंदरे सानी के नाम से कौन जाना जाता है या दित्य सिकंदर के नाम से कौन जाना जाता है, इन चार ऑप्शन में से आपको राइट आंसर बताना है। तो याद रखिए अलाउद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी राइट आंसर है इसका। अलाउद्दीन खिलजी अपने आप को सिकंदरे सानी या दित्य सिकंदर के नाम से पुकारता था। उसका शासनकाल 1296 से 1316 ईस्वी तक रहा था, याद रखिए। उसकी इच्छा थी पूरे विश्व में अपना डंका बजवाने की, इसी कारण से उसने ये अपना नाम रखा था। तो नाम से ही पता लग रहा है खिलजी वंश से संबंधित था, ठीक है, खिलजी वंश से। अब खिलजी वंश आ ही गया है तो आपसे ये पूछा जाए खिलजी वंश का संस्थापक कौन है, तो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था। चार ऑप्शन है, चार ऑप्शन में से आपको राइट आंसर बताना है। याद रखिए अलाउद्दीन खिलजी, अगर आपने प्राचीन भारत का इतिहास या मध्यकालीन का इतिहास और आधुनिक भारत का इतिहास पूरा कोर्स हमारा देखा है, तो आपको मालूम हो गया होगा अलाउद्दीन खिलजी के बारे में कि अलाउद्दीन खिलजी ने देवगिरी पर 1307 ईस्वी में आक्रमण किया था। तो अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा तीन आक्रमण फेमस है, 101 तो 1307 में देवगिरी पर आक्रमण किया था, और 1309 में जो आज का तेलंगाना है वहां पे आक्रमण किया था, और 1311 में आक्रमण किया था होयसल में। तो ये तीन आक्रमण याद रखने हैं। जब 1307 में देवगिरी पर आक्रमण किया था उस समय रामचंद्र देव वहां के शासक थे। ये रामचंद्र देव हार गए थे अलाउद्दीन खिलजी से, तो रामचंद्र देव ने अपनी पुत्री का विवाह अलाउद्दीन खिलजी से कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बाजार अधिनियम नीति किसके द्वारा लागू की गई थी। चार ऑप्शन है, उसमें से राइट आंसर आपको बताना है कि बाजार अधिनियम नीति, दिल्ली सल्तनत का वह कौन सा राजा था जिसने बाजार अधिनियम नीति लागू की थी, इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे। तो राइट आंसर आपको बताना है चार ऑप्शन में से। तो याद रखिए अलाउद्दीन खिलजी ने, अलाउद्दीन खिलजी ने ही बाजार अधिनियम नीति लागू की थी। मेनली इसने अपने सैनिकों के रख रखाव के लिए ये नीति अपनाई थी ताकि कम पैसों के अंदर, कम बजट के अंदर एक बहुत बड़ी सेना रखी जा सके, इस कारण से ये नीति उसने अपनाई थी। ठीक है, तो बाजार अधिनियम नीति के कारण ही अलाउद्दीन खिलजी ने कम खर्च में एक बहुत बड़ी सेना रखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दिल्ली के किस सुल्तान ने खैरात विभाग, सरकारी अस्पताल और दफ्तर ए रोजगार बनवाया था। ये चार ऑप्शन आपके पास है, आपको ये बताना है कि दिल्ली का कौन सा सुल्तान था जिसने खैरात विभाग बनवाया था, सरकारी अस्पताल बनवाया था और दफ्तरे रोजगार बनवाया था। तो इन चारों ऑप्शन में से जो राइट आंसर है वो है फिरोज शाह तुगलक, जो कि तुगलक वंश के अंदर ही आता है। अब तुगलक वंश की बात आई गई है तो आपको मालूम होना चाहिए कि तुगलक वंश के संस्थापक कौन है, तो ग्यासुद्दीन तुगलक तुगलक वंश के संस्थापक हैं। खैरात विभाग के अंदर जो गरीब लोग थे, जो असहाय थे, उनकी मदद की जाती थी, और सरकारी अस्पताल के अंदर लोगों का इलाज किया जाता था। एक्चुअली सरकारी अस्पताल, इसका नाम दारुल शफा था, ठीक है, दारुल शफा जिसका मतलब होता है अस्पताल, दारुल शफा आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है इस तरीके से। एक तो खैरात विभाग था जिसे दीवाने खैरात कहते थे, क्या कहते थे, दीवाने खैरात, और एक दारुल शफा मतलब सरकारी अस्पताल, और दूसरा दफ्तरे रोजगार, यहाँ पे रोजगार दिया जाता था। तो फिरोज शाह तुगलक के द्वारा ये सब करवाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था। चार ऑप्शन आपको बताने हैं कि ये जो यात्री था इब्न बतूता, ये किस राजा के शासनकाल में भारत आया था, और इससे रिलेटेड ऐसा भी क्वेश्चन पूछा गया है कि इब्न बतूता किस देश से आया था। तो सबसे पहले ये जान लीजिए मोरक्को से आया था, कहाँ से आया था, मोरक्को से आया था इब्न बतूता, और किसके शासनकाल में आया था, महमूद बिन तुगलक के शासनकाल में आया था, जो कि तुगलक वंश से संबंधित हैं। कब आया था, लगभग 1333 ईस्वी में भारत आया था। मोरक्को अफ्रीका में है, ठीक है, ये भी याद रख लीजिए, अफ्रीका में। इसकी एक पुस्तक भी है, इब्न बतूता की एक पुस्तक है जिसका नाम रेहला है, रेहला याद रख लीजिए। रेहला के अंदर मेनली जो मोहम्मद बिन तुगलक था इसका शासनकाल कैसा था वो सब वर्णन किया गया है रेहला में, और मोहम्मद बिन तुगलक ने इब्न बतूता को दिल्ली का काजी भी नियुक्त किया था, इतनी बातें आप याद रख लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दिल्ली का सुल्तान जिसने ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया था वो कौन था।
चार ऑप्शन है, चारों ऑप्शन में से राइट आंसर बताना है कि वह कौन सा सुल्तान था जिसने ब्राह्मणों पर जजिया कर लगा दिया था। तो चारों ऑप्शन में से जो राइट आंसर है वह फिरोज शाह तुगलक, फिरोज शाह तुगलक ने ही ब्राह्मणों पर जजिया कर लगा दिया था। तो ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि वह प्रथम मुसलमान शासक कौन है जिसने ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया, तो वो फिरोज शाह तुगलक ही है, इस प्रकार भी क्वेश्चन पूछा गया है। तो उसके बाद क्या था, जब ब्राह्मणों पर जजिया कर लग गया तो जो ब्राह्मण थे वो भूख हड़ताल पर बैठ गए। तो उसके बाद सभी हिंदुओं ने मिलकर ये कहा कि आप ब्राह्मणों पर जजिया कर मत लगाइए और इनका जो कर है वो हम देंगे। तो सभी हिंदुओं ने मिलकर ब्राह्मणों का जो कर था वो दिया था। तो फिरोज शाह तुगलक किस वंश है, तुगलक वंश से नाम पता लग रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मोहम्मद बिन तुगलक किसमें कुशल था। चार ऑप्शन है, मोहम्मद बिन तुगलक किसमें कुशल था, चारों ऑप्शन में से आपको राइट आंसर बताना है। तुगलक वंश के अंदर मोहम्मद बिन जो तुगलक है ये बहुत शिक्षित था और विद्वान भी था। इसको अरबी फारसी भाषाएं अच्छे से आती थी और इसके साथ ही ये दर्शन शास्त्र में माहिर था और गणित में भी माहिर था और खगोल शास्त्री भी था ये। तो इन चारों ऑप्शन में से राइट क्या है, दर्शन शास्त्र। दर्शन शास्त्र में भी माहिर था, एक गणितज्ञ था ये, एक तर्क शास्त्र था, खगोल शास्त्र भी था ये, अरबी और फारसी भाषा का अच्छा जानकार था ये। एक अभिलेख है जिसका नाम है राजमुंद्री, ठीक है, राजमुंद्री जो अभिलेख है उसके अंदर स्पेशली लिखा हुआ है कि जो मोहम्मद बिन तुगलक है वो दुनिया का खान था। तो दुनिया का खान किसे कहा गया है राजमुंद्री अभिलेख में, तो वो मोहम्मद बिन तुगलक को कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से किस दिल्ली सुल्तान को इतिहासकारों ने विरोधों का मिश्रण बताया है। चार ऑप्शन है, चार ऑप्शन में से राइट आंसर बताना है कि विरोधों का मिश्रण किस सुल्तान को कहा गया है। तो राइट आंसर है मोहम्मद बिन तुगलक को कहा गया है, मोहम्मद बिन तुगलक को ही विरोधों का मिश्रण कहा गया है। ऐसा क्यों, क्योंकि उस समय जब ये राज कर रहा था उस समय इसके द्वारा जितनी भी नीतियां चलाई जा रही थी उसका विरोध हो रहा था। तो इसी कारण से विरोधों का मिश्रण इतिहासकारों ने मोहम्मद बिन तुगलक को कहा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, होली त्यौहार के सार्वजनिक उत्सव में भाग लेने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था। तो चार ऑप्शन है, चार ऑप्शन में से राइट आंसर चुन लीजिए। तो याद रखिए मोहम्मद बिन तुगलक इसका राइट आंसर है, मोहम्मद बिन तुगलक ही दिल्ली का ऐसा पहला सुल्तान था जो हिंदुओं के त्यौहार में शामिल होता था जो कि होली था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दौलताबाद जिसे मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से स्थानांतरित की थी वह कहाँ स्थित है। चार ऑप्शन है, राइट आंसर आपको बताना है कि दौलताबाद कहाँ है। और इसके साथ ये भी प्रश्न बन गया कि मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित की थी, मगर कुछ दिन बाद फिर से उसने अपनी राजधानी को दिल्ली शिफ्ट कर लिया था। दौलताबाद कहाँ पे है, औरंगाबाद में है। मोहम्मद बिन तुगलक ने ही इस जगह का नाम दौलताबाद रखवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित को क्रम से व्यवस्थित करो। चार ऑप्शन है, इसमें से आपको राइट आंसर बताना है कि देखिए ये जो पांच वंश आपको दिए गए हैं ना इसको आपको व्यवस्थित करना है क्रम से, कि मतलब सबसे पहले कौन सा वंश आया था, उसके बाद कौन सा आया था, फिर कौन सा आया था। तो सबसे पहले तो इलबरी तुर्क, इसे गुलाम वंश भी कहते हैं या ममलूक वंश भी कहते हैं, तो सबसे पहले तो यही आया था गुलाम वंश, देख लीजिए। उसके बाद खिलजी वंश, तो ये पहला फोर लिखा जाएगा। उसके बाद खिलजी वंश, खिलजी वंश कहाँ है, ये पांचवें नंबर पे है, पांचवा। फिर उसके बाद तुगलक वंश, तुगलक वंश पहले पे है। उसके बाद सैयद वंश, सैयद तीसरे पे है। उसके बाद लास्ट में लोधी वंश, तो दूसरा नंबर लास्ट में आएगा। तो 4 5 1 3 2 किस ऑप्शन में सही है बताइए, 4 5 1 3 2 डी ऑप्शन सही है, तो डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, अगर इनका टाइम पीरियड भी आप याद रखना चाहें याद रख सकते हैं, 1206 से 1290 तक तो गुलाम वंश चला, उसके बाद 1290 से लेकर 1320 तक खिलजी वंश चला, और खिलजी वंश के बाद 1320 से लेकर 1414 ईस्वी तक तुगलक वंश चला, और सैयद वंश की बात करें तो 1414 ईस्वी से 1451 तक चला। उसके बाद लोधी वंश 1451 से लेकर 1526 तक चला। 1526 में प्रथम युद्ध हुआ था पानीपत का बाबर के साथ, तो दिल्ली सल्तनत समाप्त हो गया था, उसके बाद मुगल शासन शुरू हो गया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लोधी वंश किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो ये बताइए लोधी वंश किसके द्वारा स्थापित किया गया था, चार ऑप्शन है, ये भी बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ है, तो याद रखिए बहलोल लोधी, बहलोल लोधी लोधी वंश के संस्थापक हैं, याद रख लीजिए। गुलाम वंश तो आपको बता दिया, कुतुबुद्दीन ऐबक, और खिलजी वंश जलालुद्दीन फिरोज खिलजी इसके संस्थापक हैं, और तुगलक वंश के गयासुद्दीन तुगलक, और सैयद वंश के खिज खां हैं, ठीक है, या खिज्र खां हैं, और लोधी वंश आपको मालूम हो गया होगा बहलोल लोधी। बहलोल लोधी पहला शासक था लोधी वंश का, इस बात को आप ध्यान से देख लीजिए। उसका देखिए लोधी वंश का अंतिम शासक पूछा जाए कौन था, तो लोधी वंश का अंतिम शासक इब्राहिम लोधी था, जो कि 1526 ईस्वी में मारा गया था बाबर के हाथों, उसके बाद दिल्ली सल्तनत समाप्त हो गया था, फिर बाबर संस्थापक बनता है मुगल वंश का भारत के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आगरा शहर का संस्थापक कौन था? इन चारों ऑप्शन में से आपको बताना है कि आगरा शहर का संस्थापक कौन था, तो चार ऑप्शन में से सिकंदर लोधी, सिकंदर लोधी था आगरा शहर का संस्थापक, ये लिख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट बात है। सिकंदर लोधी का जो शासनकाल है 1489 से लेकर 1517 ईस्वी तक था, और इसने इसी बीच 1504 ईस्वी में आगरा शहर का संस्थापन किया था, और उसके 2 साल बाद 1506 ईस्वी में इसने अपनी राजधानी को दिल्ली से आगरा ट्रांसफर कर लिया था, ये भी इम्पोर्टेंट बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से किसने गुलरुखी उपनाम से अपनी कविताओं की रचना की? चार ऑप्शन में से राइट आंसर आपको बताना है, तो सिकंदर लोधी ही था, सिकंदर लोधी ने ही गुलरुखी उपनाम से अपनी कविताएं लिखी हैं जो फारसी भाषा में हैं, तो सिकंदर लोधी भी एक विद्वान था, एक शिक्षा के क्षेत्र में अच्छा था। और सिकंदर लोधी के बारे में एक इम्पोर्टेंट प्रश्न है, सबसे इम्पोर्टेंट प्रश्न है कि सिकंदर लोधी ने ही गज ए सिकंदरी को शुरू किया था, भूमि को नापने का जो पैमाइश था जिसे गज ए सिकंदरी कहते हैं, वो सिकंदर लोधी के द्वारा ही शुरू किया गया था, ठीक है, याद रखिएगा। क्वेश्चन पूछा जाता है कि भूमि की पैमाइश के लिए गज ए सिकंदरी का प्रचलन किसने करवाया था, तो सिकंदर लोधी ने करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये आखिरी प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान द्वारा अंतिम रूप से गुलाम तुर्कों के समूह 40 को समाप्त किया गया? तो इन चारों ऑप्शन में से राइट आंसर आपको बताना है, तो बलबन, राइट आंसर क्या है, बलबन, बलबन ने ही अंतिम रूप से जो गुलाम तुर्क थे, जो उनका समूह था 40 का, उसको समाप्त किया था, तो याद रखिएगा बलबन वही है जिसने लौह रक्त की नीति अपनाई थी, गुलाम वंश के अंदर ही आता है। तो आज के इस लेक्चर में इतना ही, लेक्चर कैसा लगा, अच्छा लगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए दोस्तों के साथ ताकि वो भी इसका लाभ उठा सकें। हमारे प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ अलग अलग फोल्डर बने हुए हैं, क्रैश कोर्स, डिटेल कोर्स, अलग अलग एग्जाम वाइज सब डिटेल में बताया गया है, जरूर देख लीजिएगा। ट्रिक्स भी वहाँ मिल जाएगी, मैप की सहायता से पूरा जियोग्राफी पढ़ाया गया है, बहुत अच्छा आपको लगेगा। तो चलिए स्क्रीन पे जो चार लेक्चर आ रहे हैं ना, इम्पोर्टेंट लेक्चर हैं, देख लीजिएगा। हम आपसे मिलेंगे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।